हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। टुडे आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक इन न्यू चैप्टर्स रिलेटेड। जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ है, ये जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस गैप। गैप के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैप, कहां पर गैप अप्लीकेबल होता है और किस तरीके से अप्लीकेबल होता है और गैप होता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। गैप को पढ़ने के लिए जो सिंपल सा है, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप मींस, इसमें फोर वर्ड है। जनरली मींस होल ओवरऑल वर्ल्ड, और एक्सेप्टेंस मींस सभी लोगों के द्वारा। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मींस रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस, ये सारी चीजें होती है। आप छोटा छोटा मीनिंग ऐसे जाने, लेकिन इसी चीज को हम लोग ब्रॉडली जब क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे तो कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब आगे चल के हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आप लोग पीछे बहुत अच्छे डीप से पढ़ के आ गए हो, तो तीन चैप्टर कंप्लीट हुआ, तीन चैप्टर में आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो होता है, सिंपल सी बात करते हैं, होता है कि जो सबसे शुरुआत वर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग, किसकी बात करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ये क्या होता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज होता है। अकाउंटिंग जो करता बेटा वो डील्स करता है किसके साथ में, विथ। अकाउंटिंग डील विथ, आप लोग जानते हो तीन काम वो जनरली करता है। पहला क्या करता है बेटा, रिकॉर्डिंग करता है, फिर क्लासिफिकेशन करता है, और फिर उसी डाटा को क्या करता है, समराइजिंग या समरी। तीन चीजें, तीन वर्क ये आपका अकाउंटिंग में डील किया जाता है। कितने, अकाउंटिंग डील विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशंस एंड समरी। ये जब करता है बेटा, यहां पे ये जो भी करता है वो किसको करता है, तो जो हमारे पास ट्रांजेक्शंस होंगे, किसकी बात कर रहा है, ट्रांजेक्शंस। ये सब आप लोगों ने भी पढ़ा अकाउंटिंग में। अब देखो फिर ये क्या करता है, फिर लिखता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस। अब इंफॉर्मेशंस को किसको किसको प्रोवाइड करता है बेटा, आप लोग जानते हो, जनरली मैंने आप लोगों को बताया था कि दो लोगों को अगर बात कहा जाए तो कितने लोगों को, हमारे यूजर्स में। यूजर्स कौन से होते हैं, यहां भी लिख सकते हो कस्टमर, गवर्नमेंट, मीन्स बोल सकते हो इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इसको बेटा इंटरनल यूजर्स, और दूसरा क्या होता है बेटा एक्सटर्नल यूजर्स में। अब इंटरनल यूजर में आगे क्या होता है, एम्प्लॉय, वर्कर, मैनेजर और डायरेक्टरों में, ये क्या करता है। और एक्सटर्नल में कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, बैंक, इटीसी में ये क्या करता है, जो अकाउंटिंग से डीलिंग करके इन्फॉर्मेशन आई उसको क्या करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइड करता है। सो फॉर मेकिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंट्रा भी बोल सकते हो और इंटर भी बोल सकते हो, कौन सा निकलता है, इंट्रा और इंटर। जब ये इनके साथ इंटरनल यूजर के लिए निकालता है, इनके बीच में जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो निकल के आता है ना, इन्फॉर्मेशन मीन्स जो रिजल्ट आते हैं, जो भी डाटा आते हैं उनके साथ, जब इनके साथ वो शेयर करता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा इन्फॉर्मेशन। और जब यही इनके साथ में शेयर करता है अपनी बिजनेस की, अपने इंटरप्राइजेस की, इंटरप्रेन्योर की, कोई भी इन्फॉर्मेशन के इनके साथ जब वो शेयर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये क्या बनाता है। सो फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंट्रा एंड इंटर। अब ये बेटा जो भी बनाता है, जितना भी इन्फॉर्मेशन बनाएगा,
तो इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए उसके पास एक चीज होनी चाहिए, आप जानते हो ये सारी चीजें जो भी वो करेगा, जितना भी काम हो यहां से एक्टिविटीज ये करेगा बेटा, इसमें सबसे पहली बात जो होनी चाहिए बेटा कि ये सारा इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रिलायबल। रिलायबल मतलब कि ये इनके द्वारा इनके सब लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसमें क्या करे, वो बिलीव करे। दूसरा होता है कि बेटा कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा वर्ड क्या होता है बेटा? कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो इन्फॉर्मेशन पहला होना चाहिए रिलायबल, मीन्स कि सब लोग उस पर क्या करें, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर हो, इंट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सब लोग उस इन्फॉर्मेशन पे क्या करें, बिलीव करें। दूसरा पॉइंट आता है कि कंपेरेबिलिटी, इस ईयर का डाटा नेक्स्ट ईयर के साथ, नेक्स्ट ईयर का डाटा उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब ईयर टू ईयर इन्फॉर्मेशन भी कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। वन फर्म्स टू अनदर फर्म्स में भी, वन इंटरप्राइजेस टू अनदर इंटरप्राइजेस, वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, कि डाटा आपस में क्या होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको बनाना चाहिए। दूसरी चीज है इजिली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीजों को क्या किया जाए, इजिली अंडरस्टैंडिंग किया जाए। तो अकाउंटिंग तो सब लोग अपने बिजनेस का करता है, सब लोग करता है, लेकिन अकाउंटिंग करने का मेन मोटिव क्या है, वो यही है रिलायबल, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूट, हर एंटिटी, हर इंटरप्राइजेस की, जो भी वो डाटा को प्रोवाइड करता है वो उन सब में ये इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्हीं सब के लिए, इन्हीं सब के पर्पज के लिए हम लोग, और एक वर्ड और भी बोल सकते बेटा, यूनिफॉर्मेलिटी। यूनिफॉर्मेलिटी, यूनिफॉर्मेलिटी मतलब एक तरीके से सेम, सबका क्या होना चाहिए, एक वे में, एक तरीके से, एक तरीके से, और यहां पे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए सबका एक तरीके से। तो यहां इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल्स क्या बनाते हैं हम लोग बेटा, रूल्स एंड जो गाइड, हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, रूल्स एंड गाइडलाइंस, हम लोग क्या बनाते हैं, रूल एंड गाइडलाइंस सारे इंटरप्राइजेस के द्वारा जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो भी रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, एडॉप्ट किए जाते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, सेम एक होना चाहिए। इसीलिए इस रूल और रेगुलेशंस को जो प्रोवाइड कराता है इन सब में, ये प्रोसेस करने के लिए यूनिफॉर्मेलिटी, अंडरस्टैंडिंग, कंपेरेबिलिटी और रिलायबल हर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इन्हीं सब को कंट्रोल करने की एक बॉडी बनी, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम लोग गैप के नाम से जानते हैं। बात समझे, हम लोग डील इसमें करते हैं ऐसे ऐसे चीजों को, फिर इन्हीं से हमारा डाटा ऐसा होना चाहिए जो इसमें डाटा इन्फॉर्मेशन निकले। इसको करने के लिए हमारे लिए जो रूल गाइडलाइंस जो भी एडॉप्ट करते हैं, जो भी प्रोवाइड कराया जाता है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेंस के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा, एक पॉइंट और भी आपका आता है कि इसमें जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेंस जो होता है क्या क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसमें कंसेप्ट एंड कन्वेंशन कॉमनली नोन एज गैप या जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेंस के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर कि ये सब चीजें, अब प्रिंसिपल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या, ये मैं आगे फिर डिटेल में बताऊंगा। अब पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि गैप क्या होता है। गैप का मतलब समझ गए, गैप का ये काम है कि जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो आपका क्या हो, रिलायबल हो, और डाटा क्या हो, कंपेरेबिलिटी हो। क्योंकि देखो आप अकाउंटिंग में डीलिंग किसका करते हो, मैंने बताया था रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अधिग्रहण किया था ट्रांजेक्शन का, अच्छा इन्हीं सब का आप डीलिंग करते हो तो जो उससे निकल के डाटा आती है उसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड करते हैं। किसके में प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकलेगा और वो यूजरों को दिया जाता है। यूजर कौन कौन से होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, दो प्रकार के हमारे पास यूजर होते हैं, और उनको डाटा ऐसा दे कि इस ईयर का डाटा नेक्स्ट ईयर के साथ, नेक्स्ट ईयर का डाटा उसके नेक्स्ट ईयर के साथ में क्या हो, कंपेरेबिलिटी हो। इसी सब के लिए हमारे पास जो है वो एक गैप आया, और गैप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन आर कॉमनली नोन एज गैप के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा गैप, फिर दे आर बेसिक रूल, इस गैप में क्या होते हैं, मैंने भी बताया था रूल एंड गाइडलाइंस, दे आर बेसिक रूल गाइडलाइंस दैट डिफाइन द पैरामीटर, वो अपने रूल और गाइडलाइंस के क्या करता है, पैरामीटर को डिफाइन करता है किसके साथ, विच ऑपरेटर, जो जो उसके ऑपरेटर होते हैं
और मींस एंटरप्राइजेज को के साथ में ऑपरेटर को डिफाइन करता है कि कैसे उनके बारे में स्टडी करके बनाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कि कैसे आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करोगे कि सब में यूनिफॉर्मिलिटी आए, सबका देखने में एक तरीके से लगे। इन्हीं सब के लिए हम लोग जो डिस्कस करते हैं अबाउट किसके बारे में हम लोग जानते हैं, बोलते हैं गैप के बारे में। तो प्रिंसिपल जो होता है बेटा वो स्टैटिक नहीं होता, वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू अक्सर लोग क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, वो डायनेमिक नेचर का होता है। तो हमारा यहाँ पे जो भी कहा गया है, अब देखो कंसेप्ट क्या होते हैं और कन्वेंशन क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आप लोग जहां तक अभी तक ये देखे तो इसका मतलब ये हो गया रूल है, यही पॉइंट आता है कि जो रूल गाइडलाइंस अडॉप्ट किया जाता है फॉर द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए, किसके रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, मीन्स मैंने बताया था आपको बिजनेस के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है इन ऑर्डर में आना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए बेटा, रूल एंड गाइडलाइन जो अडॉप्ट करना चाहिए किसके लिए, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर इन ऑर्डर टू ब्रिंग लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा, यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब होता है बेटा कि आप जानते हो कि सब में मैंने बताया कि एक तरीके से सबका दिखाई देना चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लिए वही रूल रेगुलेशन नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करोगे, एक कस्टमर के साथ जो रूल फॉलो करते हो दूसरे कस्टमर के साथ भी वो रूल आपको वही फॉलो करना पड़ता है। यही आपका कहता है जनरली एक्सेप्टेंस, जो ये आपका होता है गैप। गैप को हम लोग ऐसा करते क्यों है, क्योंकि आज का जो टाइम है बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, कि जब वर्ल्ड की डाटा को वर्ल्ड की कंपनी के साथ आप कंपेयर करना चाहते हो तो आपको डाटा भी उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके लेके चलना पड़ेगा, तभी तो आप उसकी डाटा को इजिली अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। आपकी कंपनी में जो बनाया डाटा गया जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में अगर सामने वाली की कंपनी का उस शॉप का अगर डाटा प्रेजेंट रहेगा उस डाटा को, क्योंकि पब्लिक जो डाटा होता है कंपनी अकाउंट में वो डाटा को पब्लिकली हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्लोज करते हैं, और डिस्क्लोज किया जाता है हर कंपनी हर एंटरप्राइजेस को मैक्सिमम पब्लिकली डाटा क्या किया जाता है बड़ी संस्थाओं को डिस्क्लोज किया जाता है। तो उससे क्या करते हैं वो एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी करते हैं, आपस में लोग कंपेयर करते हैं कि विच इज बेस्ट, कि इसमें से बेस्ट कौन है, उसने क्या टेक्निक अपनाई कि उसकी टेक्निक ज्यादा बेस्ट आई। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक हमारा रूल बनाया गया जो ग्लोबल लेवल पे सारे लोग एक समान मींस यूनिवर्सली अप्लीकेबल करने के लिए, किसके लिए यूनिवर्सली अप्लीकेबल करने के लिए ही हमारा एक गैप आया जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया गया, जो सबके लिए हर कंट्री हर देश हर स्टेट के लिए क्या होगा एक ही सिंगल प्रिंसिपल बनाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं। और ये समय के समय पे क्या होता है चेंज होता रहता है और ये क्या होता है आपका डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर एक ही प्रिंसिपल लगा एक ही सिस्टम लगा, क्योंकि टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग करने के टेक्निक करने के नए नए ट्रांजेक्शन के तरीके नए नेचर आते रहते हैं, इसलिए हमको क्या किया जाता है प्रिंसिपल को भी चेंज करना होता है। गैप में हमारा एक तरीके से कहा जाए तो गैप में मैंने आपको बताया प्रिंसिपल, तो गैप से हमारा एक शब्द आएगा प्रिंसिपल, और कौन सा हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है इसमें आपके दो वर्ड से ये कंसिस्ट होके बना हुआ है, पहला हमारा होता है बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा हमारा होता है बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब देखो बेटा ये क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट जो आया वो किससे आया, अकाउंटिंग एजम्पशन बेटा अकाउंटिंग एजम्पशन। अब देखो जो एजम्पशन की मींस क्या होता है आप सिंपल शब्दों में जान सकते हो कि जैसे आपको कभी भी कोई भी क्या होती है किसी भी चीज के लिए सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग करना है किसी चीज के लिए फर्स्ट टाइम इतनी सारी चीजें गैप तक हम लोग पहुंच नहीं गए, फर्स्ट टाइम हमने डेवलप गैप को नहीं किया तो हमने क्या किया सबसे पहले मुझे क्या हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी भी केस में या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर क्या कर लगाते हो सिंपल शब्दों में थिंकिंग, क्या करते हो थिंकिंग। फिर उसमें से आप क्या निकालते हो बेटा
थिंकिंग डेवलपमेंट करके आप उसमें से क्या निकालते हो, कोई न कोई आइडियाज निकालते हो। आइडियाज जब भी आइडिया निकालते हो कि उसको किसको, कि जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, हम लोग यहां लिखते होता आइडिया। आइडियाज आइडिया निकालते हो उसके लिए जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या करने के लिए बेटा, सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आप, प्रॉब्लम को यहां पे आप सॉल्व करने के लिए किसको बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई आइडियाज थिंकिंग निकालते हो। जैसे कोई क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन आपको आप देखते हो, तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है आपको, वो इन द रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग हुआ होगा, सबसे स्टार्ट में तो आप कोई ना कोई थिंकिंग आइडियाज और थिंकिंग आइडियाज डेवलप किए होंगे। उसी थिंकिंग आइडियाज को हम लोग अगर एक वर्ड में बोला जाए, इसके लिए थिंकिंग आइडियाज को हम लोग एक वर्ड अगर यूज करें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एजेंशन। एजेंशन और एजेंशन जो होता है बेटा वो इंडिविजुअल होता है। पहले किसी एक पर्सन ने, किसी एक पर्सन ने, एक सोसाइटी ने, एक बिजनेस ने इस चीज को क्या किया होगा, इस आइडियाज थिंकिंग को डेवलप किया होगा। फिर उसको देखते 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 धीरे धीरे सारे लोगों ने क्या किया, उसकी सोसाइटी, उसके पूरे ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बना हमारा बेटा, कॉन्सेप्ट। क्या बना बेटा हमारा, कॉन्सेप्ट। जब एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कोई ग्रुप उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, सिंगल पर्सन के अलावा जब पूरी पूरी ग्रुप एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि देखियो उस काम को करने का जो तरीका होता है, पहले जो प्रॉब्लम आई थी उस प्रॉब्लम के लिए आपने सिंगल थिंकिंग आइडिया बनाया कि नहीं। जैसे आप लोग देखो, ये ऑनलाइन क्लासेस की बात है, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि बच्चों को मैं पहले 2-4-10 को कोचिंग में पढ़ा पाता था, स्कूल में 2-4-10 को, मैं कैसे इंटरकनेक्ट करूं कि पूरे इंडिया के बच्चे टॉप टीचर से पढ़ सके, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई आइडिया, तो इस सारी चीजों को सेटअप को डेवलप किया गया। वो पहले कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ने कहा तो उसने क्या किया, इनिशिएट करने वाला जो पर्सन होता है वो क्या करता है, एजेंशन लेता है। एजेंशन का मतलब कि वो आइडियाज को डेवलप करता है, मीन्स उसके पीछे कोई साइंटिफिक उतना रूल रेगुलेशंस नहीं, उसको वो क्या करता है, डेवलप करके अपने उसमें साइंटिफिकली प्रूफ करवाता है कि नहीं ये चीज इस सिचुएशन में बेटर होती है, वो उस चीज को, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, एजेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एजेंशन जो पहला थिंकर होता है, फर्स्ट आइडियाज डेवलप करता है, दैट इज नोन एज एजेंशन के नाम से जानते हैं। उसके द्वारा जो रूल्स डेवलप किए जाते हैं कि नहीं इस काम के लिए ये रूल बेटर होता है, बट उसी तरीके से हमारा क्या होता है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जब उसी चीज को करने के टेक्निक मेथड को धीरे धीरे पूरे ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। वही आइडिया, वही प्रॉब्लम को थिंकिंग आपको इसमें क्या कहा जाता है, शामिल होते हैं जो उसमें से रहते हैं, लेकिन सारे एजेंशन कॉन्सेप्ट नहीं बनते, बट सम एजेंशन मेक अ कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखो आइडियाज उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत लोग बताते हैं, लेकिन उसमें से जिसका बेस्ट माना जाता है उसको क्या करता है, कॉन्सेप्ट के रूप में सारे लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। बट उसी पे आगे चलकर क्या बेटा, जब उस पर इन प्रैक्टिस किया जाता है, इन प्रैक्टिस फॉर्म मीन्स उस पर रिसर्च किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, तो हमारा वो क्या बनता है, कन्वेंशन हो जाता है आइडिया, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, तब हमारा उसको हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ रूल्स। तब हम लोग क्या बनाते हैं, सेट ऑफ रूल। और जब ये सारी चीजें बन जाती है तो मेरा क्या बन के आता है, जब इनफोर्स बाई उस चीज को क्या कर दिया जाए, तब हमारा क्या बनता है, प्रिंसिपल। मीन्स कि किसी भी चीज को आपके ऊपर पहले स्टार्ट में यहां तक आपके ऊपर कोई सेट रूल रेगुलेशन बनाया गया था, बट गाइडलाइंस बनाई गई थी, बट आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं किया गया था, और जब वो इंफोर्स बाय लॉ हो जाए, मीन्स कि किसी भी रूल रेगुलेशन को आपके ऊपर मैंडेटरी कर दिया जाए, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, प्रिंसिपल। मैंडेटरी या इंफोर्स बाय लॉ कर दिया जाता है किसी के भी द्वारा। तो अब ये सारी चीजें जब मिलती है यहां से लेके यहां तक की, अब यहां प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आएगा, मीन्स की जो ट्रांजेक्शन होते थे उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम आई होगी कि सबकी सिमिलरिटी हो, कैसे होगी, तो
तो उस प्रॉब्लम को उसने कहा नहीं मैं अपने बिजनेस में ऐसे रिकॉर्ड करूंगा। किसी ने कहा नहीं मैं अपने बिजनेस को ऐसे रिकॉर्ड, जैसे आप लोगों ने देखा था, आप लोगों को मैंने बताया था कई सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर हमारे पास कैश सिस्टम था। कुछ ने कहा था कि नहीं वेन कैश रिसीव या पेड देन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, उसको हम लोग कैश सिस्टम करते। सिंगल एंट्री सिस्टम होता था ओनली वन साइड कैन बी रिकॉर्डेड। वो अपना आइडियाज, अपनी थिंकिंग डेवलप किए, हर लोगों ने अपनी थिंकिंग क्या करने के लिए, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए लोगों ने डेवलप किया। तो स्टार्ट में जब इनिशिएट कोई था, जब उसको उसके सोसाइटी की, उसके मार्केट के, उसके स्टेट के लोगों ने एक्सेप्ट किया तो मेरा क्या बना कंसेप्ट, या उसके पूरे कंट्री के लोगों ने किया तो क्या बना कंसेप्ट। उसी चीज को प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, या गवर्नमेंट या उसकी उस वहां की जो भी पूरी कंट्रोलिंग बॉडी होगी, कंट्रोलिंग बॉडी के द्वारा इन प्रैक्टिकल करके कि नहीं ये चीजें क्लियर कट सही है, तो जब वो हमारा क्या बनता है कन्वेंशन। और जब उसी चीज को पूरे एंटरप्राइजेस पे क्या किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी कर दिया जाए या इम्फोर्स बाय लॉ के, इसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं बनाओगे तो वो मेरा क्या बनता है बेटा प्रिंसिपल। और इन सबके ग्रुप को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, गैप के नाम से जानते हैं। जनरली मीन्स जब ग्लोबली होल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाए, इस सब पे अप्लीकेबल हो जाए। ठीक, तो इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, ये गैप के पूरे डेफिनेशन होते हैं। दैट इज क्लियर कि कैसे हमारा पूरा ट्रेवल किया, प्रॉब्लम, थिंकिंग, एजम्पशन, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल। और अगली वीडियो में हम लोग बेटा सब कुछ यही देखेंगे कि गैप से रिलेटेड अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, एजम्पशन और कन्वेंशन क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से लिख के पढ़ के आइएगा। आप लोग सबको मैं प्रायर टॉट प्रायर ही बोलता हूँ कि नहीं पढ़िएगा, उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल एजम्पशन। फंडामेंटल एजम्पशन की मीनिंग क्या होती है, मुझे वही आप लोग पर्टिकुलर देख के लेके बताइएगा। दैट इज क्लियर। ठीक बेटा, तो आज हम चलते हैं, बस इतना ही, बाय बाय।